आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, आधार बैंड की चौड़ाई और फेडिंग क्या होते हैं। तो पहले तो हम आधार बैंड की चौड़ाई के बारे में समझते हैं। प्रेषित किए जाने वाले सिग्नल की उच्च आवृत्ति एवं निम्न आवृत्ति के अंतर को हम आधार बैंड चौड़ाई कहते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई सिग्नल है, इस सिग्नल का हमको इतना भाग ही भेजना है, इतना भाग हमको सिग्नल का भेजना है, तो ये हमारी उच्च आवृत्ति हो गई, मान लेते हैं F2, और ये हमारी इस सिग्नल की निम्न आवृत्ति हो गई F1। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आवृत्ति और पावर के बीच बना है, शक्ति के बीच बना है। तो हमने 3 डेसिबल शक्ति को यहाँ से चयन किया हुआ है, हमें इतने सिग्नल को ही भेजना है, इतने सिग्नल को ही भेजना है। तो जो प्रेषित सिग्नल है ये हमारा प्रेषित सिग्नल हो गया, इसी को हम भेजने जा रहे हैं, ये प्रेषित सिग्नल। इस सिग्नल की ये निम्न आवृत्ति और इसी सिग्नल की हमारी ये उच्च आवृत्ति हो गया F2। तो यहाँ पर जो बैंड चौड़ाई बन रही है ये बराबर बन रहा है F2 - F1। उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति के अंतर को हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो इतनी बैंड चौड़ाई का, आधार बैंड चौड़ाई का ये सिग्नल बनेगा। दूसरा इसने पूछा है फेडिंग। तो फेडिंग की ये परिभाषा बनती है कि किन्हीं कारणों से एक न्यून समय के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, सिग्नल के अदृश्य हो जाने की घटना को फेडिंग कहते हैं। अब सिग्नल के अदृश्य हो जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आयन मंडल से सिग्नल का परावर्तन ठीक से ना होना, या किसी अन्य दिशा में हो जाना, जैसे कि सिग्नल हमें नहीं मिल पाते, हमारे लिए सिग्नल अदृश्य हो जाते हैं। तो एक बहुत न्यून समय के लिए घटना होती है, तो एक न्यून समय के लिए, एक बहुत कम समय के लिए, लघु समय के लिए जो सिग्नल गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, इस घटना को हम फेडिंग कहते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।